हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की सैलरी के बारे में और उसके साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके सैलरी के बारे में तो पहले ये बता देता हूँ कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी का ये जो पद है इसकी जो सैलरी है वो 5200 से 20200 पे ग्रेड के अंतर्गत आता है और इसकी जो सैलरी है इन हैंड वो है 22000 से 22500 प्रतिमाह। ये आयोग जो सातवां वेतन आयोग लगता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अगर हम बात करें पद का प्रकार की तो आपको पहले बता दिया ग्रुप सी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके मतलब एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब है। तो लोग हम देख रहे हैं इस समय यूट्यूब पर वीडियो काफ़ी सारे बन रहे हैं कि इनका एग्ज़ाम कुछ लोग 15 जुलाई बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें बता रहे हैं, कुछ लोग पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं। तो जो लोग पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं 15 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है वो भाई पिछले साल का एग्ज़ाम की पेपर कटिंग दिखा रहे हैं कि पिछले साल 15 जुलाई को ही एग्ज़ाम होना था और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही 15 जुलाई दिखा रहा है, इसी वजह से वो लोग 15 जुलाई बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड और लगभग लगभग उसी टाइम इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो होगा अगस्त के थर्ड वीक में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ है। देख लेना दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम अगस्त के थर्ड वीक में ये एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो इस टाइम तो आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा और सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए टेक केयर, जय हिंद।